हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न हैंडीक्राफ्ट आइटम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मास्क कैसे बनाते हैं वूलन विंटर के लिए, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी, और बहुत ही इजी और सिंपल वे में, जिससे जल्द से जल्द बना लें। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो वो भी आप सीख जाओगे कि कैसे बनाना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम ये वाली ऊन यूज़ करेंगे और क्रोशे यूज़ करेंगे हम नंबर। सबसे पहले हमें चेन बनानी है मास्क बनाने के लिए, वो भी हम बनाएंगे 33 चेन, 33। पहले इसको नोट बना लेंगे हम, यहाँ इस तरीके से पकड़ेंगे इसको, यहाँ की साइड इस तरीके से हम इसको क्रॉस करेंगे, ये लेके आए अंदर की साइड, इसको लेके गए यहाँ से, यूँ निकाला, ये लेके आ गए। फिर हम एक और बनाएंगे इसके अंदर से इस तरीके से, और यहाँ से ये वाला धागा खींच देंगे। यहाँ पर हमारा नॉट बन गया है। अब हम चेन बनाएंगे, एक ऑलरेडी बन गया हमारा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बत्तीस तैंतीस, हमने 33 चेन बना ली। ये इतना बड़ा आपको दिखेगा, अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप और भी ले सकते हो, 36 का भी साइज़ ले सकते हो या 40 तक का भी ले सकते हो। तो हमें मीडियम साइज़ का बनाना है तो इसलिए मैंने 33 चेन लिया है। अब ये फर्स्ट वाली चेन छोड़ करके मैंने और पास कर दिया है, ये फर्स्ट छोड़ करके नेक्स्ट वाले में से लेना है हमें, और हम कोई भी ऊपर से चेन नहीं लेंगे, इसके अंदर डाला, फिर हम यहाँ से फंदा लेंगे, यहाँ बाहर निकाल दिया, हमें दो चावल मिले हैं, इसको इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में से लेके जाएंगे, फंदा लिया, हमारे पास दो आ गए हैं, फिर इसके अंदर से हम इस तरीके से निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरे चेन करते हुए जाना है, इसको बोलते हैं हाफ क्रोशिया, हमें हाफ क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में से करेंगे, ये हमें करने हैं गिनती के पांच। पहले तो हमने एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए हैं। अब हम करेंगे, यहाँ से हमने एक फंदा लिया, ये पाँच हमने पहले बनाने हैं, पाँच कर लिए। अब हमें आगे बनाने हैं आठ, इसको हमें आठ बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, पहले फंदा लेंगे, फंदा लेने के बाद नेक्स्ट वाले में से निकाला, ये लेके आए इसमें, यह हमें कितने मिल गए, एक दो तीन, और इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे, और ये तीनों में से हम इसको निकाल देंगे, इसको भी हाफ क्रोशिया बोलते हैं। फिर से फंदा लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डाला, फिर से फंदा लेंगे, निकाला इसको, हमें तीन मिल गए, एक दो तीन, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे।
ये हमें बनाने हैं 8। पहले हमने हाफ क्रोशिया बनाया, दो वाले वो 5 बनाए, अब हमें 3 एक साथ निकालने हैं, वो हमें बनाने हैं 8। ये ध्यान रखिएगा आप। फिर से हम वही करेंगे, दो बना लिए हैं हमने ऑलरेडी, ये तीनों निकाल देंगे। फिर से लिया, ये 6, ये 7। नेक्स्ट बनाएंगे जो हम वो है 8। ये 8 बना लिए। अब इसके बाद हमें 6 सिंगल चावल बनाने हैं, डबल क्रोशिया वाला जो बोलते हैं सिंगल करके। ये हमने फंदा लिया, इसके अंदर हमने डाला, यहाँ से फिर फंदा लेंगे, ये लेके आए, पहले हम दो में से निकालेंगे, दो चावल में से, फिर हम दो चावल में से निकालेंगे। इसी प्रकार से हमें 6 और बनानी है। पहले दो में से निकाला, फिर दो में से निकाला, पहले दो में से, फिर दो में से निकाल दिया। ये 3, चार, ये 5, और फिर बनेंगे हम 6। और फिर से हम वही चीज़ इसको यहाँ पे जैसे हमने इसको बनाया था 8 और 5, तो हम यहाँ से उसको उतारेंगे यहाँ से। तो हमें 8 यहाँ पे बनाने, फिर हमें 5 बनाने, 3 हाफ क्रोशिया बनाने हमें, ये हमने सारे से लेके गए, ये हमने तीनों एक साथ निकाल दिया। तीन लिया, एक साथ निकाल दिया। चार, पांच, छः, सात, और ये 8। लास्ट का हमारे पास कितने बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब वही सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में से निकाला सिंगल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पांच,
लास्ट में से लेंगे हम पांच। यहीं पे हम एक चावल और लेने हैं, इसको यहीं से मोड़ लेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट में हम ये फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, इसी वाले में से लेंगे हाफ क्रोशिया। पहले के पांच बनाएंगे हम, फिर आठ, फिर छः, फिर आठ बनाएंगे और फिर पांच बनाएंगे। ये हमने आठ क्रोशिए बना दिया यहाँ पे। अब बनाएंगे हम इसमें छः सिंगल चावल। ये पहले निकाला, फिर ये दो है, फिर इसमें से भी निकालना है। फिर से हमने इसमें नेक्स्ट में करा, तीन मिले हमें चावल, पहले दो में निकाल दिया, फिर हमने दो में निकाल दिया। इस पे भी हमने छः बनाने हैं। जैसे हमने पहली रो करी थी वैसे ही हमें ये वाली भी कंप्लीट करनी है। इसके बाद फिर से सेम ये हमने बना ली है छह। अब हम बनाएंगे तीन हाफ क्रोशिया। सेम पैटर्न वही रहेगा, आठ बारी बनाना है हमें तीन हाफ क्रोशिया, फिर वही पांच हमें सिंगल हाफ क्रोशिया बनाना है। ये भी रिकॉर्ड, ये देखिए ये हमने दो रो करी है कंप्लीट। इसी तरीके से सेम पैटर्न से आपको 15 रो और करनी है। 15 करने के बाद ये हमारा मास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये हमने पूरी 15 रो कंप्लीट कर ली है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा पूरा मास्क बनके रेडी है। अब हम इसमें बनाएंगे चेन। वो हमें बनानी है 28 चेन हमें बनानी है। इसी तरीके से हमें 28 चेन इसमें बनानी है। अब हम इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से इसको कट कर देंगे। इसी तरीके से हम इस साइड भी बनाएंगे। फाइनली हमारा मास्क रेडी हो गया है। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हो तो बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे मेरी नई जो भी वीडियो हो वो आपको पहले दिखे। थैंक यू सो मच।